कैसे हैं आप सब लोग? और चल रहे हैं किचन में, कमरे का काम हो गया, नहा सब सब कुछ कर लिए, बर्तन नहीं मैंने सेट किए तो बर्तन सेट करने हैं। और हवा बहुत अच्छी चल रही है, जो किसी की रोजी बताती हूँ। और सोना की, उनको आजकल मतलब मैं नहीं कह देती हूँ ना, वो कपड़े पसंद नहीं आते, अपने मनपसंद के कपड़े पहनती हैं। आजकल के बच्चे बड़े फैशन वाले होते हैं। जा रही बर्तन सेट करने के लिए, फिर काम काम आने लगी। वैसे मतलब सुबह का काम होता है वो सारा हो गया है, बस ये बच्चों को दूध गर्म किया था, दूध दे दिया है। और आजकल ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। जब भी चलिए कोई नहीं, दिल में आता है वो बताना चाहिए। वंशिका सोना सब रेडी हो गई हैं, और मुझे आज फ्रिज को साफ करना है और इसको साफ करना है। सारा फैला हुआ है बिल्कुल, कुछ चीज़ें इसमें टूट गई हैं, सोना और ये वंशिका लगी रहती हैं, तो वो करना है। और दो तीन दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई है, ये देखो वंशिका। और ये देखो सोना, कपड़े अच्छे लगे? सही से बोला करो। सिंचन देखने में लगी हुई है, मुझे भी सिंचन बहुत पसंद है, डोरेमोन भी बहुत पसंद है, मैं ये सब देखती रहती हूँ। आजकल तो ये बच्चे टीवी देखने के, टीवी को हाथ ही नहीं लगाने देते, यही देखने को ही बहुत है। स्कूल खुल जाएंगे तब भले थोड़ा बहुत टाइम दो, फिर मैं तो अपने काम में ही लगी रहती हूँ, इतना वो नहीं मिलता। बस ये सब आप लोगों से बातें करनी थी। चलिए अब काम कर लेते हैं, मतलब ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ से देखने में बहुत अच्छा लगता है, बस ये है ना, मैं चाहती खुले में कहीं कुर्सी डाल के बैठूँ, उस वाले मकान में भी बाहर सीढ़ियों पे बैठ जाता, पर यहाँ नहीं, यहाँ सेकंड पे है, तो वहाँ देखिए कितनी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाइए, बड़ा अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। तो चलिए वीडियो हो रही है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बनाते हैं, काम करते हैं, बातें तो बहुत सारी होती रहती है रोज़। तो यहाँ देखिए हमेशा के जैसे वंशिका, वो बस वंशिका का नाम है, सोना तैयार बैठी रहती है मदद के लिए, और वंशिका से तो बस वो अपने उसमें ही लगी रहती हैं। सोना जहाँ मुझे कुछ भी देखती वहाँ आ जाती है, वंशिका वैसे मदद करने में लगी रहती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा ये सामान, इसमें ये दोनों ने इसमें कुछ कुछ तोड़ दिया है, ये मैं अपनी शादी का फ़ोटो दिखा रही हूँ, इसमें रखा हुआ था वो वाला, ये देखिए। और सबसे पहले ये चीज़ें, ये नुकसान करने के लिए इन, ये पहले पहले आने को रेडी रहती हैं, मैं और कोई देखे ना देखे ये पहले करती है सब कुछ। तो यहाँ पे ना ये मैं सोच रही हूँ, मैंने जो प्लास्टिक का वो लिया था ना, उसमें ये सारा रखूँ, पर उस वाले कमरे में वो रख रखा है, उसमें सामान है, और फिर उसको ये वो नीचे भी है, तो उसको खोलती रहती है, इस पर जल्दी से नहीं खोल पाती क्योंकि ये टाइट खुलता है। तो सोच रही हूँ अभी देखो करती हूँ या नहीं करती, नहीं इसी में ये है, इसमें रूम में कर लेते हैं। और इस कमरे में इसलिए अंधेरा आप लोगों को दिख रहा है, इसमें छोटा वाला बल्ब लगा दिया है, बड़ा वाला जो बल्ब है वो किचन में लगा दिया, आपने देखा होगा, क्योंकि किचन में ज़्यादा टाइम रहते हैं, कमरे में थोड़ा कम रहते हैं, और उस वाले कमरे में तो दिन में ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि उसमें तो अपना जो खुद से उजाला आ जाता है, तो इसीलिए अब देखते हैं इसमें वो बड़ा वाला लगवाएंगे। पर फिर मैं सोचती हूँ चल जाता है काम तो फिर रहने दो। तो सारा सामान मैंने इसमें सेट कर दिया, जो कि शायद मैंने आपको सब सामान दिखा चुकी हूँ, आपको वीडियो में दिखा दिया, वो है अलग, इतना टाइम मिलता है नहीं ये लगाने का, छोटी बालों में कंघा तो दो दो दिन लगा नहीं पाती हूँ, क्यों काम ही नहीं ख़त्म होता, छोटे छोटे फिर बच्चे हैं ये सब, और फिर खाना पीना ये इतना नहीं हो पाता है, और किसी हाउसवाइफ से इतना नहीं हो पाता है। कभी कभी तो कर लूँगी, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। आप लोग कमेंट भी आते, दीदी कर लिया करो, कोशिश करती हूँ, पर रोज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि वो काम करने चलते हैं उसमें टाइम लगता है, तब तो और काम लेट हो जाता है, और रोज़ का नहीं अच्छा लगता है, कभी कभार करेंगे तो अच्छा लगे। थोड़ा सा मैंने अपने सनक्रीम लगा दिए और वो साफ़ कर दिया, देखिए सोना को, सोना मुँह धो के आएंगी तब भी लगाएंगी, और वैसे करेंगी तब भी लगाएंगी। लेने के लिए जा रहे, नीचे गाड़ी लेके खड़े हैं, तो मैं एक बोतल, और वहाँ यहाँ पे महंगा देते हैं, और वहाँ पानी है इसमें थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा महंगा देते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा सस्ते में भर देते, तो सस्ती चीज़ कौन नहीं चुनेगा। तो एक बोतल, एक बाल्टी, एक ये गाड़ी में रखे लेके आ जाएंगे ना, तो ठीक रहेगा, क्योंकि
दो दो चीज़ें हाथ में तो आ नहीं सकती हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा पानी बचा है जो कि इसमें कर लेती हूँ। लेटी हुई थी, फिर इन्होंने फ़ोन किया कि आ जाओ लेने के लिए, वो देने के लिए, मैं नीचे खड़ा हूँ, तो मैंने बोला ठीक है लेके आओ, इसको कर दो फिर ऑन करती हूँ। तो ये मेरा इंतज़ार कर करके खुद ही लेने के लिए आ गए, पानी का भी काम कर दिया इन्होंने। और कोई सी बोतल है, एक बार में सारा भरवा ला रहा है, इतने कंजूस मतलब पानी वाले को इतना बोले थे ये भी दे दे वो दे, जहाँ पे आए सबसे हम पानी मतलब लेके ही आ जाते हैं। खाना नहीं खाया, तो ये इनका काम है, वो पार्ट टाइम वो, हाँ दो दिन क्या लड़ो मत ना लग जाएगी दोनों। तो जो गए ये खाना गोल गोल घूम रहे हैं, तो ये इनका आते हैं खाना, दो दिन हमारे चलता है पानी, दो दिन या तीन दिन चलता है खाना, तो हम इसी से बना लेते हैं जो कि आता है। पीने का पानी यहाँ अच्छा नहीं आता, तो फिर हम ना मंगा लेते हैं फिल्टर का पानी है, यहाँ पे आती है 20 रुपये की एक बोतल, वहाँ पे 20 रुपये में दो तीन भर देते हैं, तो फिर वहाँ से ले आते गाड़ी पीछे रख लेते और लेके आ जाते हैं। तो बस ये गए, आप लोग बताइएगा कैसा लगा, देखा कैसे कितना वो थक गए थे, पर मैंने बोला बाद में ले आना, पर वो माने ही नहीं, चले गए लेने के लिए। उधर से दिखा तो गए क्या, और सारा कुछ मैंने रेडी करके रखा था, ले गए गाड़ी, यहाँ खड़ी कर देते हैं ना, तो इसीलिए मुझे पता है। अभी किचन समेटी थी मैंने सारी, पर अब फिर फैल गई, खाने से ही तो फैल जाती है आपको पता ही है। रोटियों को ढक रही हूँ, ठंडी हो जाएंगी ना, फिर ठंडी ये खाते नहीं है, देखिए जूड़ा कैसा हो गया है ना। तो यहाँ पे कमेंट मत करिएगा कढ़ाई के लिए, कढ़ाई ये बहुत पुरानी है, बहुत हल्की है, ये छूटता नहीं है, अब वो वाली कढ़ाई आप देख सकते हो वो सही है। इसमें ना कभी कभार कुछ छोटा मोटा चीज़ें बना लेती हूँ और जल्दी बन जाती है इसमें, इसीलिए और कोई बात नहीं है। तो बनाने जा रही हूँ मैगी मसाले वाली, और आज कमेंट भी आए थे मैगी के लिए, और मुझे किसके लिए कमेंट आ रहे हैं, डोसा के लिए, वो इडली सांभर के लिए शायद डोसा के लिए आ रहे हैं कमेंट। तो बस थोड़ा सा और टाइम, एक दो दिन मैं जल्दी जल्दी सभी रेसिपी बना, मैगी के लिए, और हमारे यहाँ मीजा बनता है, मीजे की रेसिपी तो मैंने बहुत बार दी है, बहुत बार, तो फिर वो बोल रही थी कि देना, तो फिर हमारे यहाँ यूपी में बेस मीजा की सब्ज़ी बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा बनती है, तो मैं बनाऊँगी फिर से। यहाँ पे मैंने मैगी, प्याज को मैं ज़्यादा मैगी में नहीं भूनती हूँ, कम ही भूनती हूँ, क्योंकि उससे फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, और दाल वगैरह में ज़्यादा भूनती हूँ क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, इसमें थोड़ा सा वैसे ही अच्छा लगता है। तो प्याज टमाटर भूंज लिया था रिफाइंड में, और फिर उसमें मैगी डाल दी, पानी जितना मैगी को पानी चाहिए उतना पानी डाला, और कोई ऊपर से मसाले नहीं डाले, सिर्फ मैगी मसाला डाला, थोड़ा सा नमक डाला, क्योंकि नमक पानी डाला है तो फिर कम हो जाएगा फिर इसलिए, तो बस इन, और एक मैंने टमाटर लिए, टमाटर के बिना तो अच्छी नहीं बनती, तो मैंने इसको ढक दिया था। ढकने के बाद देखिए हमारी ये लगभग बन ही गई हैं, थोड़ी बहुत कसर है, तो थोड़ी सी देर गैस बंद कर देंगे ना तभी बन जाएगी। टमाटर को थोड़ा वैसे, और मैगी को भी थोड़ा मैंने कर दिया है, क्योंकि प्लेट में फिर वैसी हो जाती है। तो देखिए हमारी मैगी तैयार है, और इस तरीके से करेंगे ना तब कटोरी में लेने सही रही, नहीं तो बहुत लंबे लंबे तार हो जाते। देखिए मैंने उस कछली से खूद दिया ना, तो इसीलिए आसानी से हो रही है लेने में। तो ये बच्चों की दे रही हूँ, सोना वंशिका, ये देखिए अच्छी लग रही है ना, तो चलिए हम लोग खा लेते हैं, आप भी आइए। मैगी वैगी खाने के बाद मैंने यहाँ भिंडी बनाई है, भिंडी बना रही हूँ मैं गांव में जैसे दीदी बनाती थी वैसे, घर के मसालों से, सूखी मिर्ची से, सूखे धनिए से। यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची प्याज सब कुछ पहले से ही काट के रख लिया है, भिंडियों को भी धो के काट लिया है गोल गोल वाला, मेरे पापा को भिंडी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए मैंने प्याज लहसुन ले लिया है, और इसमें डालूँगी साबुत धनिया, ये देखिए इसका स्वाद अलग ही आता है, खुशबू भी मतलब पूरे मकान में महक जाती है। और जीरा डाल रही हूँ थोड़ा सा, इसमें ही मसाले में ही जीरा डाल रही हूँ। जीरा डालने के बाद इसको अच्छी तरह से बिछा के कर वो करके
ये देखिए इसमें सूखी मिर्ची डालूँ और थोड़ा सा पानी डाल के कस कर उसमें मिक्सी में वो कर लूँ। छोटा वाला मैंने जग लिया है इसको करके। हरी मिर्ची ये बहुत तीखी वाली है और ये मैंने सूखी मिर्ची डाली है, जितनी हमें डालनी होती है, तीखी ना हो जाए, ये थोड़ी तीखी होती है और घर का मसाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये यहाँ पे वंशिका आ गई, बोली रही है लाओ मैं करूँ। मैंने बोला नहीं, मिर्ची लग जाती है ना बहुत तीखी होती है, तब भी कहाँ मानती हैं। थोड़ा सा इसी में मैं नमक डाल दूँगी, भिंडी में नमक नहीं डालूँगी, फिर मसाले में ही सब कुछ डाल रही। देखिए करने में लगी है ये, देखिए मैंने बोला नहीं रहने दो रहने दो, क्योंकि डर लगता है करंट का आ जाए, मैं खुद डरती हूँ, क्योंकि पहले मेरे बार साथ एक बार हो गया तो मैं बहुत मिक्सी भी चलाती हूँ ना, बहुत डर डर के चलाती हूँ, इसलिए भैया मैं तो बहुत डरती हूँ मिक्सी वगैरह को। बड़ी टाइम में आप देखते हैं ना, जब ज़्यादा ही ज़रूरत होती है तभी मैं मिक्सी को चलाती हूँ। तो देखिए मसाला मेरा बन के रेडी है, इस तरीके का बना। हल्दी डाली नहीं थी तो अब हल्दी डाल दी मैंने, और बस इधर मैं तेल ली, एक चम्मच तेल लिया, उसमें भिंडियों को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, क्योंकि इनका जो चिपचिपन है ना वो निकल जाए। तो 10-15 मिनट इनको करना है, जब तक अपना और काम कर लो। जब तक मैंने अपना आटा गूंद लिया था, ये मैंने तेज़ आंच पे छोड़ दी थी, तेज़ आंच पे मैंने इनको फ्राई किया था। और जब तक मैंने आटा गूंदा, आटे को रख दिया सेट होने के लिए, फिर मुझे उधर मेरा वो भी काम हो गया, इधर ये भी काम हो गया। और ये वाली भिंडी बहुत अच्छी लगती है। कई तरीके से मैंने भिंडी की रेसिपी शेयर की है, बहुत तरीके से। और इसमें ये देखिए इस तरीके से हिलाते जाएंगे ना, थोड़ा सा ही बस चाहिए होता है। ये देखिए अब मैंने उसी वाली कढ़ाई में थोड़ा सा और रिफाइंड डाल के उसमें ही तड़का लगाने जा रही हूँ। हरी मिर्ची ली थी, हरी मिर्ची को ज़्यादा फ्राई नहीं किया, और ये जो मैंने मिक्सी में मसाला पीसा था वो कढ़ाई में छोड़ दिया है, और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और जो उसमें लगा था ना पानी डाल के, वो भी मैंने डाल दिया, ये देखिए। और ये कलर, और ऐसे भी रोटी पे रख के खाएंगे ना बहुत टेस्टी लगता है। उसी जग में मैंने टमाटर काट के रख लिए थे, क्योंकि मसाला चिपका हुआ था ना इसीलिए। अब इसको थोड़ी सी देर पकने के लिए छोड़ देते, तेल और छोड़ दे, क्योंकि अभी आप इसको इसमें पानी दिख रहा होगा। तो देखिए इसमें 5 मिनट छोड़ने के बाद फिर मैंने इसमें भिंडी डाल दी है, भिंडी देखिए। और इसको अब इसी तेज़ आँच पे पकने देंगे, और पकने के बाद इसे छोड़ देंगे। देखिए अब भिंडी हमारी बन के रेडी हो गई, 10 मिनट में बन गई थी। अब इसमें हम थोड़ा सा नींबू डालेंगे, गरम मसाला, बिना नींबू के तो अच्छी नहीं लगती है भिंडी। मेरे हस्बैंड को देखिए कितनी सुंदर लग रही है, खाने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और अपना ध्यान रखिएगा, रेसिपी ट्राई करना मत भूलिएगा, ट्राई करिएगा।